स्वागत है जी आप सबका चटोरा पॉइंट के एक और नए वीडियो में। भाई आज हम ट्राई करने वाले तंदूरी वेज प्रीमियम बॉक्स और ये मंगवाया जी कैसल्स बारबेक्यू। बाकी बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है जी मील इन अ बॉक्स। और आपको एक बात और बता दूं भाई, इनकी जो है ना हमने एक थाली भी कंपैरिजन कर रखी है और उसका कंपैरिजन हो रखा है जी बारबेक्यू नेशन के साथ। बाकी जी देखो मेन चीजें जो है ना देखने वाली ये होती है कि पैकिंग कैसी है, बॉक्स आपके पास में कैसा आ रहा है, तो उसमें तो भाई 10 में से 10 नंबर है। उसके बाद फूड की क्वांटिटी क्या आ रही है वो देखेंगे, क्वालिटी, टेस्ट, प्राइसिंग सब चीजें मैटर करती हैं। ये सारी चीजें जी इस वीडियो में ना हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। 1 लाख सब्सक्राइबर होने में ना मात्र 250 सब्सक्राइबर रह गए हैं और आप चाहो तो आज इसी वीडियो में हो सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा ना, आपका साथ मिलेगा तो आज इस वीडियो में हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बॉक्स ओपन करते हैं। चलो जी अब इस बॉक्स को ना जी ओपन करते हैं। अब टेपे शेपे काफी सारे लगा रखे हैं तो 2-1 मिनट लग जाएंगे। और आउटर पैकेजिंग तो भाई काफी अच्छी है, काफी ज्यादा ही अच्छी लग रही है मेरे को तो ना, सही बताओ तो। फटाफट ये सारी की सारी टेपे जो है ना खोल लेते हैं। भाई कितनी टेपे लगा के दी है यार पंकज जी, दूर से भी तो आया है। हाँ लेकिन इतनी लीक हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर कंप्लेंट चली जाती है। हाँ ये बात तो है। चलो एक साइड से ओपन हो गया जी, अब बारी है यहाँ की टेपे खोलने की। ठीक है, और बॉक्स जो है ना सबसे अच्छी बात यह है कि बॉक्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। चलो जी अब इसको ओपन करें। ले थोड़ा सा फिर भी हिल के ही आया है। चलो कोई बात नहीं है, इतना तो चलता है। ये सारी डब्बिया जो है ना जो है ना बाहर निकालना शुरू करते हैं, काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। छोटी डब्बिया तो 8 आ गई भाई। 8 आ गई जी। ठीक है, जिसके अंदर सलाद वगैरह मीठा वगैरह सब कुछ है। अब यहाँ आते हैं जी, अब इसके अंदर होगा जी स्टार्टर और मेन कोर्स। ठीक है, वहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इसके अंदर जो है जी अपनी ये बॉक्स आए हैं। बॉक्सेस आए हैं जी, अब इनको एक एक करके जी ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आया क्या क्या है। आ जाओ। चलो जी सारी चीजें बाहर तो आ गई हैं, अब आते हैं जी मुद्दे पर कि इनके अंदर क्या क्या है, क्या क्या आया है और उसकी लुक कैसी है। ठीक है, तीनों की जो है, अबे खुल जा भाई यार, कसम से टेप कट ही नहीं रही है। चलो अब ये वाला खोलते जी सबसे पहले। अरे वाह, ओ भाई इसमें मोमोज भी हैं। हाँ बड़े छोटे छोटे से मोमोज है, मेरे को पहले ना लगा मशरूम है। मोमोज का साइज काफी छोटा है। हाँ ये तो है जी कोई कबाब। ठीक है जी, और कबाब के निकले 6 पीस, 6 पीस कबाब के निकले हैं। और कबाब वाकई में जो है ना बहुत नरम और सॉफ्ट लग रहा है। मटर वगैरह अंदर चीजें, आलू और मटर, बाकी मसाले। बाकी देखने वाली बात यह है कि भाई अच्छा तंदूरी मोमोज है ये, देख रहे सीख के अंदर। हाँ। इसको तंदूर में वो जो है ना, साइज कितना छोटा है। हाँ ये चीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मतलब जितने उनसे डल सके उन्होंने डाल दिए उसके अंदर, डाल जगह भर दी। हाँ जगह भर दी। बाकी देखते हैं जी। ओके अच्छा, इसमें आ गई हमारे मशरूम्स और पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल भाई साहब क्या ही लग रहे हैं यार, पाइनएप्पल के ऊपर मैरिनेशन लग रही है कुछ कमाल। बाकी इसके अंदर मशरूम है 1, 2, 3, 4, ये टूट गया है 4.5, 6, 7, 8 और 9। यार मेरे ख्याल से ना इन्होंने रैंडमली डाल रखा है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी ना। हाँ उसमें शायद 6-6 पीस ही लिखे थे। 6-6 पीस लिखे थे भाई, फिर तो इन्होंने अच्छे डाल के दे दिए। और सारे के सारे अगर ये साइज के होते ना, वैसे छोटे वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। सही बात है। बाकी ये यार कमाल की चीज लग रही है, इसके ऊपर आप देखो क्या ही इन्होंने जो है ना कोटिंग कर रखी, कोटिंग कर रखे, मैरिनेशन वगैरह अच्छी, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है। और भाई ये क्या जूसी होगा यार, ये तो जो भी बुफे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं और सबके फेवरेट होंगे। अब तो ये सबके फेवरेट हो गए। एक तो ना खाना खाते वक्त में ये हाजमे का भी काम करते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। लास्ट में ये खा लो तो डाइजेस्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट जो हमारा तीसरा बॉक्स आया जी, इसको ओपन करते हैं। अच्छा इसमें आ गई हमारी चाप, चाप और पनीर। भाई यार कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, एक कलर लाइट है एक डार्क है। चलो बढ़िया, पनीर का पीस एक देखते हैं जी। बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत सिंपल। दही की मैरिनेशन मेरे ख्याल से इसमें तैयार करके इसके ऊपर कोटिंग करी गई है तंदूर के अंदर। अच्छा बेक हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा
डार्क नहीं कर रखा, उसको ज्यादा नहीं कर रखा है ना। और साथ में ये हमारे पास चाप, ये मलाई चाप है, ये मलाई चाप है। पनीर के पीसेस हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और चाप हमारे पास जो है वो भी 6 पीस है। लेकिन चाप यार मैंने जैसे शिफ्ट करी ना, नरम कितनी है यार, ये देखियो चम्मच से आराम से प्रेस हो रही है और दब रही है भाई, बढ़िया। स्टार्टर्स काफी सही लग रहे हैं, मेन कोर्स देखेंगे। तीनों के तीनों ये जो है 6 स्टार्टर्स हमारे पास आए जी इसके अंदर, और क्वांटिटी और लुक दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन कोर्स पे फटाफट जो है ना जी, इनकी मैं टेपे खोल दूं। और एक बात ना, कई बार एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप जो है ये टेप वगैरह खोलते हो का सीन क्यों लगाते हो, तो भैया हम चाहते हैं कि आपको ना जेन्युइन लगे, ये ना लगे कि भैया हमने पहले खोल लिया या कुछ है। ज्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि हम पैकिंग सारी की सारी आपको दिखाएं, आपको दिखाएं, आपके सामने खोले। चलो शुरू करते हैं जी। अच्छा ये आइए जी, मिक्स वेज, ठीक है। इसके बाद साथ में है जी हमारे पास ये दाल मखनी, इसकी टेप वगैरह ठीक है, बाकी अभी देखते हैं। और सही से पहले सारे खोल लूँ, है ना। दाल मखनी हुआ है। अच्छा ये क्या है? ये पनीर लबाबदार होगा, ये पनीर लबाबदार है। चलो ये बड़े वाले में क्या आया भाई, तू पास ही आ जा, दूर से डर लग रहा है, जरा खुल जा सिम। अच्छा जी वेज बिरयानी, ठीक है जी। वेज बिरयानी आपको बाद में दिखाएंगे जी, पहले जो मेन कोर्स में हमारे पास ये तीन जो सब्जियां आई हैं आपको ये दिखाते हैं। ये है जी मिक्स वेज, मटर वगैरह चीजें, और खुशबू वाकई में बहुत अच्छी आ रही है। गाजर हो गया और बीन्स है, सब कुछ ठीक है। पनीर छोटा मोटा पीस डला हुआ है, ठीक ठाक है, बढ़िया लग रहा है। इसके बाद जी हमारे साथ में है जी ये पनीर लबाबदार। भाई एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ, सब्जी की रंगत वगैरह ठीक है, अच्छी लग रही है, लेकिन ना ये मैं सही बताऊँ तो क्वांटिटी कम है। हमारे पास जो हम पहले जो बॉक्सेस लेकर आए थे उसमें है ना क्वांटिटी थोड़ी सी सही होती है, सही ये मेरे से 250-300 ml है बस। हाँ मुश्किल से 250 है, इन्होंने उसमें भी पूरा फुल नहीं भर रखे है, ठीक है। ये है जी दाल मखनी। चलो जी आपको बिरयानी जो है ना जरा पलट के दिखाते हैं भाई, लुक तो जो है ना काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और क्या ही कलरफुल बिरयानी है यार। ये सब्जी वगैरह भी खुली डली हुई है, काफी अच्छी डली हुई है। क्वांटिटी पलट के इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा आपको जो है ना आइडिया हो जाए कि हाँ भाई कितनी क्वांटिटी आई है। क्वांटिटी तो ठीक ही लग रही है ना, प्लेट भर गई और ऊपर भी आ गया, ऐसी बात नहीं है। कंटेनर छोटा लग रहा था मगर प्लेट में डलने में भर गई प्लेट। हाँ ठीक है, ये है जी हमारी वेज बिरयानी। साथ में जी अब ये छोटी छोटी जो डब्बियां आई है ना जी, आपको वो भी खोल के दिखा देता हूँ। मूंग दाल हलवा लग रहा है मेरे ख्याल से, और ये सलाद है जी। इसमें है जी ब्राउनी, ये रायता जो हमारा बिरयानी के साथ आया था, बहुत ही कम क्वांटिटी है। ये आई है जी चटनी स्टार्टर्स वगैरह के साथ में, और ये आ गए छोटे गुलाब जामुन। एक लास्ट डब्बी और है जी, ये क्या है, ये भी कोई डिप होगी, ये भी कोई डिप मोमोस के लिए, मोमोस के लिए ठीक है। लास्ट में भाई अपने पास आई है जी ये जो रोटियां, आपको ये भी दिखा देते हैं इसमें कितनी मिली, ये देख लेते हैं जी। इसमें हमारे पास आए हैं जी, क्या लग रहा है ये, एक तो नान आया है जी, ठीक है, और एक आया जी लच्छा परौठा। तो भाई ये तो बहुत ही कम है, सही बात है। एक आया कि दो आए हैं, आई थिंक एक रोटी आई है, ठीक है, एक बहुत ही पतला छोटा सा लच्छा परौठा ना, बहुत ही छोटा और बहुत ही दुबला पतला, सेहत ही नहीं है बेचारे परौठे की, ठीक है। और एक आया नान, एक आया है जी नान, वो भी बहुत ही मैं सही बताऊं तो पतला है। ये चीज ना यार मुझे समझ में नहीं आती, इतने सबके साथ में ना आई थिंक रोटियां जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आनी चाहिए। सही बात है, सही है कि नहीं है। बाकी आपको फूड की लुक कैसी लग रही है जी, जो हमने एक कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा सजा हुआ दिखे, वो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना यार। बारे जी फूड टेस्ट करने की, और शुरुआत हम करने लगे जी स्टार्टर से। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से करते हैं चाप से हम चाप और पनीर दोनों साथ में, तो दोनों टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि दोनों में से हमें क्या बेस्ट लगा, ठीक है। बोल भाई स्वाद तो सही बताऊं तो दोनों चीजें हैं, दोनों, लेकिन अगर एक बेस्ट बोलना तो मेरे को चाप ज्यादा अच्छी लगी। चाप ना, सही बात, मेरे को भी भाई चाप
क्या ही चीज बना रखी है भाई। इतनी सॉफ्ट है, जूसी है, अंदर से काफी ड्राई ड्राई टाइप की नहीं है, और ना स्मोकी फ्लेवर जो उसके अंदर आ रहा है वो दोनों में है, वो नेक्स्ट लेवल है। स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर भी है, दोनों में है जी, बहुत ही कमाल है। लेकिन पनीर को भी ना फेल कर दिया आज चाप ने। पनीर ना थोड़ा थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मेरे को, वो तंदूर के ऊपर रखने से भी हो जाता है, वो पानी सूख जाता है ना, हल्का सा और सॉफ्ट होता तो पनीर में भी और ज्यादा मजा आता। अगले दो आइटम जो हमारे पास है जी, एक तो है जी तंदूरी मोमोज और दूसरा है जी वेज शामी कबाब। ये टेस्ट करते हैं जी। अरे भाई हाँ चलो, मजा आ गया भाई। भाई कबाब जो है ना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल साइज का मोमोज मेरे को भी ठीक लगा है। इसके अंदर वेजेस ना पतली लेयर है, वेजेस पता चल रही है, ऐसी बात है कि नहीं पता चल रही, लेकिन भाई मोमोज जो है ना फेल कर दिए कबाब ने। कबाब चटनी वगैरह लगाने के साथ तो उसका फ्लेवर जो है ना और बढ़ रहा है। चार चीजें स्टार्टर की खाई है, इतना समझ में आ गया कि स्टार्टर के ऊपर इन्होंने काम कर रखा है। सही बात, बढ़िया, फास्ट वाला जल्दी वाला काम नहीं कर रखा, बढ़िया। जी हमारे पास मशरूम और पाइनएप्पल, ठीक है, अब जरा इसको टेस्ट करते हैं जी, आ जाओ। भाई साहब नेक्स्ट लेवल, कहोगे कि भाई साहब क्यों बोलते हो, भाई खा के तो देखो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा। पाइनएप्पल जो है ना बहुत बढ़िया, या भाई साहब दिल्ली वाले बोलेंगे भाई साहब, और एक जगह वाले बोलते हैं एक नंबर, वो कहा के बोलते हैं ये कमेंट करके बताना, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोनों को विनर बोलूंगा भाई, मेरे को मशरूम भी नेक्स्ट लेवल लगे और पाइनएप्पल तो बढ़िया होता ही है। एक बात बोल दूं, 6-6 विनर है, यहाँ हमने आपको बेस्ट बता दिया जो हमें लगा, और यहाँ दोनों के दोनों। तो मेन कोर्स में जी हम सबसे पहले जो है स्टार्ट कर रहे हैं दाल मखनी से, ठीक है, प्लेन रोटी जो है इनकी तंदूरी वो मैंने ले ली है, और ये ना हमारे पास ये डिप है जिसको हम रायता समझ रहे थे, रायता हमारे पास एक और है, वो हम वीडियो में दिखाना भूल गए थे, ठीक है जी। दाल मखनी जी काफी अच्छी गाढ़ी लग तो रही है, बाकी टेस्ट करके आपको बताते हैं, आ जाओ जी। दाल मखनी के बारे में बताऊँ ना तो मेरे को ठीक ठाक लगी, एवरेज, बहुत ज्यादा मैं इसको वाव नहीं कहूंगा, इससे बेटर मैंने दाल मखनी और बहुत बार खा रखी है। चलो जी पनीर लबाबदार जो है जी लग तो अच्छा रहा है, अदरक के लच्छे वगैरह भी सही दिख रहे हैं, थोड़ा सा पनीर ब्रेक कर लेते हैं, और लुक में ग्रेवी अच्छी लग रही है, अब टेस्ट अच्छा होना चाहिए भाई। बस यार दाल मखनी तो इतनी बढ़िया नहीं निकली, अब ये बढ़िया निकल जाए तो मजा आ जाएगा, और तेरी पनीर ही गिर गया नीचे, बताओ। चलो जी आ जाओ टेस्ट करते हैं। तू ही बता भाई। भाई वाव तो नहीं कहूंगा लेकिन दाल मखनी से फिर भी बेटर है। मैं भी यही लाइन बोलना चाहता हूँ जी, वाकई में ना, मतलब वो जो होते हैं प्याज टमाटर की जो ग्रेवी बनी होती है ना, हाँ उस टाइप की ग्रेवी के फ्लेवर्स हैं, लेकिन लबाबदार जैसे थोड़ा सा चटपटा टाइप का होता है, हाँ उस तरीके का फ्लेवर नहीं फील हो रहा, थोड़ा सा ना रिच ग्रेवी महसूस ही नहीं हो रही। मैं साफ सीधी सी बात बताऊ, लबाबदार वाली ग्रेवी जो है ना वो बहुत थोड़ी सी अच्छी होती है। इन दोनों में से कंपैरिजन करें तो जैसा पंकज ने कहा कि पनीर की सब्जी ज्यादा अच्छी, ज्यादा स्वाद है, वही चीज हुई है जी। अब जो है ना जी लच्छा परौठा लेते हैं और इसके साथ जो है ना जी ट्राई करते हैं मिक्स वेज वाली सब्जी। ऐसा हो रहा है दाल मखनी का लेवल यहाँ था, पनीर का लेवल यहाँ था, मिक्स वेज का लेवल यहाँ हो गया, तीनों में से सबसे बेस्ट जो है मिक्स वेज है, और उसके बाद पनीर, फिर लास्ट में दाल। बाकी जी मेन कोर्स में हमारे पास है जी ये वेज बिरयानी, अब इसको भी जो है ना जी आपको जरा टेस्ट करके बता देते हैं स्वाद कैसा है इसका। बढ़िया, एकदम बढ़िया, इसके अंदर फ्लेवर भाई बड़े कमाल। देखो ये जो आई है ना बिरयानी, इसको मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि ये बिरयानी और पुलाव का ना जो मिक्सचर है ये प्रॉपर, ना तो वो पुलाव वाला टेस्ट है ना ही जो है ना
वो बिरयानी वाला, क्योंकि इसमें वो जो खड़े मसालों का जो फ्लेवर होता है ना वो कम है। बिरयानी मसाला जो यूज करते हैं ना, हाँ, केवड़ा वगैरह चीजें डाल के उसको उस तरीके का फ्लेवर बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। लास्ट हमारे पास रह गए जी डेजर्ट, इसको तीनों को जो है ना जो तीन चीजें आई है एक साथ ट्राई कर लेते हैं, एक साथ ट्राई कर लेते हैं। भाई ये मैं हाफ लूंगा, ठीक है, टेस्ट करते हैं जी, आ जाओ। तीनों की तीनों चीजें ना भाई अपने अपने लेवल पे तीनों अच्छी लगी है मेरे को तो ना। एक हलवा अगर गर्म होना चाहिए था क्योंकि उसमें घी जमा हुआ है, बाकी इन दोनों का टेस्ट जो है वो मुझे अच्छा लगा है भाई। मेरे को गुलाब जामुन नंबर वन में लगा, सेकंड में हलवा और थर्ड में ब्राउनी। ऐसा भी एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर कर दिया भाई। बाकी भी इसका प्राइस बता देते, प्राइस है जी 999 रुपए। बाकी हमने तो कुछ 150-200 रुपए डिलीवरी चार्जेस पे किए क्योंकि कनॉट प्लेस के आसपास से काफी दूर से आया है। बाकी आपके नियरेस्ट होगा तो आप टेक अवे भी कर सकते हो या मंगवा सकते हो। एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जितनी मेहनत इन्होंने अपने स्टार्टर को बनाने में करे खेरा, उतनी ही थोड़ी सी और मेहनत ये मेन कोर्स में कर ले तो भाई मजा आ जाएगा। वैसे एक चीज ये भी है कि इसको बढ़ाना चाहिए क्वालिटी को, लेकिन ना वहाँ पे बुफे रेस्टोरेंट में जो लोग जाते हैं ना मोस्टली स्टार्टर से ही पेट भर लेते हैं। वो बात तो है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। चलो जी, जैसा भी एक्सपीरियंस था वो सारा का सारा जो है ना जी हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय 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 बाय।